चलिए दोस्तों, मैं आज बात करता हूं बिजनेस लोन किस प्रकार से लिया जाता है, जो कि मैं ले चुका हूं, इसलिए मैं आज आपको बताने दोस्तों आप देख रहे हैं नंदिकेश ब्लॉग और मैं नंदिकेश बात कर रहा हूं आपसे। इस चैनल पे आपको तमाम तरह की बिजनेस की जानकारियां दी जा रही है, बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाया जा सके, कैसे छोटे बिजनेस को आगे किया जा सके, कैसे बिजनेस की सेल को इंक्रीज किया जा सके, कैसे बिजनेस को फाइनेंशियली मदद किया जा सके, जिसके पास पूंजी नहीं है वो कैसे बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो आज उसी कड़ी में आज मैं बात करूंगा बिजनेस लोन के बारे में, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए किस तरह से बिजनेस का लोन लिया जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, ध्यान से देखिए, बिना स्किप किए हुए देखिएगा तो आपको प्रॉपर जानकारियां मिल जाएगी बिजनेस लोन कैसे मिला जाता है, क्योंकि बहुत सारे मतलब जानकारियों के अभाव के कारण लोन नहीं प्रोवाइड हो पाती है, जिससे सरकार की भी नाकामियां हो जाती है और बिजनेस लेने वाले भी नाकाम हो जाते हैं। तो मैं आज दोनों को जोड़ने का प्रयास करूंगा, सरकार को भी और जो बिजनेस नए स्टार्ट करने वाले हैं उसको भी, क्योंकि जब तक दोनों को जोड़ेंगे नहीं तब तक बिजनेस करने में आसानी से लोन नहीं मिलेगा, उससे भारत और पूरे देश का विकास होने में दिक्कतें आती है। चलिए दोस्तों, मैं आज बात करता हूं बिजनेस लोन किस प्रकार से लिया जाता है, जो कि मैं ले चुका हूं, इसलिए मैं आज आपको बताने वाला हूं। मैंने जो ये फैक्ट्री लगाई हुई है, इसमें हमको मुद्रा स्कीम के तरह लोन मिला है, कैसे मिला है सब चीज जानकारियां देंगे, और कितना स्कीम है वो भी जानकारियां देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तभी आप प्रॉपर जानकारियां ले पाओगे। तो बिजनेस लोन सरकार द्वारा जो दी जा रही है, कितने तरह की स्कीम चालू है, तो मैं पहले केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी की बात करूंगा, केंद्र सरकार की तरफ से कितनी योजनाएं चल रही है। तो दोस्तों, केंद्र सरकार की तरफ से अभी प्रेजेंट टाइम में पीएमईजीपी योजना और मुद्रा योजना दो स्कीम है जो बहुत ही तेजी से चल रही है, पूरे देश में चल रही है। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो ये दोनों स्कीम पीएमईजीपी और मुद्रा स्कीम, ध्यान से देखिए इस स्क्रीन को, इसमें दोनों का मैं वेबसाइट का लिंक और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप जाके वहां चेक कर सकते हैं दोनों के। अब थोड़ा इस दोनों को डिटेल से हम समझते हैं, पहले हम पीएमईजीपी को समझ लेते हैं, पीएमईजीपी लोन क्या है। तो सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीम पीएमईजीपी, जो कि रोजगार सृजन योजना है, जो कि तमाम छोटे छोटे उद्यमी, जो मतलब जिसके पास पूंजी का अभाव है, उनके लिए ये एक मील का पत्थर साबित होता है। दोस्तों, ये वो स्कीम है जिसकी जड़ी बूटी से आप बहुत आगे जा सकते हैं। आप अगर ध्यान से देखिएगा, बिहार में चनपटिया मॉडल जो है इसी स्कीम की देन है, जिसमें से पीएमईजीपी के तहत लोन मिला और उन्होंने साड़ी का व्यवसाय शुरू किया और आज वो लगभग कहिए तो करोड़ों रुपया में चला जा चुका है व्यवसाय। तो पीएमईजीपी कितना मिलता है ये जानकारी पहले ले लेते हैं। पीएमईजीपी लोन 50,000 से लेके 50 लाख रुपया तक कोई विदाउट गारंटी प्रोवाइड की जाती है। लेकिन किसी को कैसे मिल जाएगा दोस्तों, इसके लिए क्या क्या करना है, वीडियो को देखते रहिए। पीएमईजीपी लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहला काम होता है, आपके पास किस किस डॉक्यूमेंट की जरूरत है, ध्यान से सुनिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड और 8 पास। अगर आप 10 लाख से नीचे लेते हैं, 8 पास का सर्टिफिकेट जरूरी है। ये तीन चीज मैंने जो बताया आपको, पैन, आधार और आपके पास 8 पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आप अपने जिले के, जहां से भी हैं, पूरे इंडिया में, बिहार में, यूपी में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, कहीं से, गोवा से हो, मुंबई से हो, कहीं से भी हो, एनी ऑफ सिटी ऑफ इंडिया, आप किसी भी सिटी से हो, मुंबई से हो, महाराष्ट्र से हो, तो आप अपने, कर्नाटका से हो, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जाइए, आप अपने जिले में जाइए, वहां जाके उद्योग विभाग में जाइए, उद्योग विभाग में बोलिए हमें पीएमईजीपी लोन लेना है, और वहां आपको ऑपरेटर, वहां पे ऑपरेटर है इसी लोन के लिए, वहां पे उस ऑपरेटर से मिलिएगा, वो आपका फॉर्म सबमिट कर देंगे और फॉर्म सबमिट में एक आपका निवास लगेगा जो आपके ब्लॉक में बनाया जाता है। दोस्तों, वहां से आपको ये सब करने के बाद आपको नजदीकी ब्रांच में आपका कागज भेज दिया जाता है उद्योग विभाग से। अब क्या करिए, लोन लेने के लिए आप पहले 10 लाख के नीचे अप्लाई कीजिए दोस्तों,
लोन तो बहुत बड़ा है पीएमईजीपी, तो 10 लाख से नीचे अप्लाई करिए, एक बढ़िया सा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए और वहां पे जाके इसको सबमिट करिए। जब आप आवेदन सबमिट करिएगा एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी लगेगा, तो वो भी सबमिट कीजिए और कुछ छोटे छोटे डॉक्यूमेंट जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी वो आपको जानकारियां दे देगी। बेसिक यही है और कुछ नहीं लगता है। उसके बाद एक उद्यम रजिस्ट्रेशन आता है, उसको कर लेना है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। और उसके बाद उद्योग विभाग में ये कागज आपका बैंक चला जाएगा, बैंक वाले के पास जाइए, अपना थिंकिंग उसको बताइए, हमसे बात कीजिए, कैसे बैंक वाले से बात करना है मैं बताऊंगा आपको, और एक अच्छे वे में उससे प्रोफेशनल तरीके से बात करिएगा। वो आपका प्रोजेक्ट अगर अच्छा रहेगा, वैल्यूबल रहेगा, तो वो आपका प्रोजेक्ट के लिए आगे भेज दिया जाएगा। जब वो प्रोजेक्ट आगे चला जाएगा तो वहां जाके आपको दिखाना होगा, ये मेरा शेड है और इस जगह पे मैं लिया हूँ, रूम रेंट दिखाना है। और उसके बाद उस जिस भी बिजनेस करिएगा उसका कोटेशन लगेगा, कोटेशन डाल देना है, उसके बाद वो लोन सैंक्शन हो जाएगा। लोन सैंक्शन के बाद आपको पीएमईजीपी में एक ट्रेनिंग होती है 15 दिन की, वो सरकार द्वारा आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में होती है, उसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद पीएमईजीपी लोन बहुत ही सरल तरीके से आपको मिल जाएगा। अब इस लोन के बारे में जान लेते हैं। इसमें 25% की सब्सिडी होती है जनरल कास्ट के लिए, अगर विलेज में लगा रहे हैं तो। अगर अदर कास्ट से है जैसे एसटीएससी ओबीसी, उसके लिए 35% तक सब्सिडी दी गई है विलेज में। उसके बाद शहर में अगर आप लगा रहे हैं तो शहर में ये 10% जनरल के लिए और 15% एसटीएससी अदर कास्ट के लिए है। इस लोन की सबसे खूबसूरती क्या है, इसमें मॉनिटोरियम मिला दिया जाता है 3 मंथ का। बिजनेस स्टार्ट करने तक 3 मंथ तक आपको ईएमआई नहीं देना है दोस्तों, और उसके बाद से आपको बहुत ही मिनिमम ब्याज दर पे, लगभग अगर 10 लाख लेते हैं तो 8 से 9 हजार रुपया मंथली आपको इसको जमा करना है, जो कि आप आराम से बिजनेस करके 8-9 हजार रुपया कमा लोगे उतनी पैसे में। तो ये हुआ लोन पीएमईजीपी लोन, इसे प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉय जनरेशन योजना कहा जाता है, जिससे मेन उद्देश्य सरकार का है पूरे पूरे देश में रोजगार को पैदा करना। इस रोजगार के कड़ी में ये स्कीम मील का पत्थर साबित हो रहा है। और दूसरा स्कीम है, भारत सरकार का ही स्कीम है दोस्तों, वो स्कीम का नाम है मुद्रा योजना। आप लोगों ने भी इसका नाम सुना होगा, मुद्रा योजना, जिसमें मैं भी लिया हूं लोन। मैं आपको बताता हूं मुद्रा स्कीम कैसे मिलता है दोस्तों। मुद्रा स्कीम के लिए इतनी झंझट की आवश्यकताएं नहीं होगी, आप सिर्फ मिनिमम्स डॉक्यूमेंट देने हैं वहां पे, जो जो बिजनेस आप करना चाहते हैं उस बिजनेस की थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन बैंक को देना है और बोलना है कि 10 लाख से नीचे हमको लोन आप कर दीजिए। लेकिन उसमें भी आपको जीएसटी करवाना होगा दोस्तों, जीएसटी करवा लीजिएगा। उसमें पीएमईजीपी में जीएसटी जो है वो लोन सैंक्शन के बाद बनाना है, लेकिन मुद्रा स्कीम में पहले जीएसटी बनाना है, एक थोड़ा सेड नोमा कुछ कर देना है, मतलब 1-1.5 लाख अपना खर्च करना है और उसके बाद 8-7 लाख लोन के लिए अप्लाई कर देना है मुद्रा स्कीम में। मुद्रा स्कीम में आप डायरेक्ट मुद्रा स्कीम के वेबसाइट पे जाइए, वहां पे अप्लाई कीजिए, अपने ब्रांच का दीजिए, वो 10 लाख तक ही है, 50 हजार से लेके 10 लाख तक, उसमें से आप डाल दीजिए उस स्कीम में। एक बात सबसे बड़ी बात होती है जो ध्यान देने वाली है, अपने लोकल जो आप मैनेजर होंगे उससे अच्छे टर्म रखना है, उससे ठीक से बात करना है। सर मैं नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस लगाने वाला हूं, उसके लिए मैंने सेड ले लिया है, ये रहा रूम एग्रीमेंट, ये रहा जीएसटी, ये रहा मेरा पैन कार्ड, ये रहा आधार कार्ड, बस इतना ही डॉक्यूमेंट चाहिए उस मुद्रा स्कीम में और कुछ नहीं लगता है दोस्तों। अगर वो आपको वैल्यूबल लगेगा वो आपको लोन दे देगा। उस कड़ी में दिक्कत आएगी तो हमसे संपर्क करिएगा, हम आपकी टोटल मदद करेंगे। इस दो लोन की मैंने प्रॉपर जानकारियां अगर दे दी है, इसमें कुछ अगर छूट जाए, क्योंकि मैंने तो मोटा मोटी दे दिया है, मुझे भी 7-8 लाख रुपया आराम से मैंने दिलवा दिया है, मैंने भी 6 लाख रुपया ले लिया है मुद्रा स्कीम में, जो कि इस साल 12 लाख हो जाएगी, मेरी डबल होने वाली है इस साल, क्योंकि मैंने हर मंथ अच्छा ट्रांजेक्शन किया है, इस कारण से बैंक वाले इंप्रेस होके हमसे मुझे मेरे लोन को आगे कर रहे हैं।
तो मैं चाहता हूं जो भी लोन ले सही से अगर लोन का सदुपयोग करिएगा। लोन अगर आप आज 5 लाख ले रहे हो, 4 साल में वो 50 लाख हो जाएगा दोस्तों। लेकिन उस 5 लाख को लेके आप खा जाओगे तो आप रोड पे आ जाओगे, ऐसी नौबत आ जाएगी कि आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो काम ऐसा करिए दोस्तों कि हजारों साल आपका नाम रहे, ऐसा काम नहीं करना है कि लेके रोड पे आ जाना है। लोन तो चुटकियों में मिल जाता है दोस्तों, लेकिन दिमाग चाहिए दिमाग। बैंक मैनेजर से ठीक से बात कीजिए, ठीक बिहेवियर कीजिए, हमसे कांटेक्ट कीजिए, मेरे सलाह लीजिए, मेरे वीडियो को देखिए। इसमें से दिक्कत अगर कहीं आती है आपको तो लोन आपको हम दिलवा देंगे दोस्तों, दिक्कत नहीं आएगी, कुछ भी दिक्कत नहीं आती है। आप आराम से जाइएगा, आराम से लोन सेंक्शन हो जाएगा और बिजनेस स्टार्ट कीजिए, सक्सेसफुली रन कीजिए और हमसे जुड़िए। हमसे जुड़िएगा, फ्री टिप्स दे रहे हैं, कभी भी पैसे की डिमांड नहीं कर रहे हैं और कोई भी हेल्प होगा, सबों का हेल्प होगा छोटे बिजनेस को बढ़ाने के लिए। ये आज का एक वीडियो पैसा नहीं है, वो ये दोनों लोन लेके आप बिजनेस कर सकते हैं। कुछ स्टेट हैं जैसे बिहार उद्यमी योजना, उत्तर प्रदेश में कुछ योजना चल रही है, वो स्टेट सरकार की है, वो भी आप लोन लेके बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो भी जिस स्टेट में कुछ है तो उद्योग विभाग में मिलिए, हर जिले में एक उद्योग विभाग दिया गया है, उस उद्योग विभाग में जाके मिलिए। अगर किसी को उद्योग विभाग का एड्रेस चाहिए हर जिले का, वो भी मैं दे दूंगा। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वहां मिलिए, आपको लोन गारंटी मिल जाएगा और बिजनेस में साथ चलने में भी मजा आएगा और बिजनेस को छोटे से आगे बढ़ाने में भी मजा आएगा। आप सिर्फ मेरा साथ देते रहिए, मैं इसी तरह जोश जज्बा जुनून से आपका साथ देता रहूंगा, कभी दिक्कतें नहीं आएगी, सब आगे बढ़ेंगे मिलजुल के और उस कड़ी में हम भी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं आप सबों के पीछे पीछे। टेक केयर दोस्तों, आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा इसके आगे, प्यार दीजिए सिर्फ, नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगा। टेक केयर।